बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। टुडे इज़ दिसंबर 25th। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 86। वी आर प्रीवियसली डूइंग अबाउट द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। पेज नंबर 86, सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की कुछ ख़ास जो हैं वो जो ज़रूरी फसलें हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑल दो ऑल क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट, सम आर मोर कॉमनली यूज आइदर एज फूड और फॉर अदर पर्पजेज सच एज मेकिंग क्लोथ आउट ऑफ कॉटन और फ्लैक्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज क्वान्टिटीज़, यानी इसमें हमें बताया हुआ है कि सारी फसलें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। इसमें बाँस जो है वो हमारे लिए या तो खुराक के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, यानी आइदर फूड यूज एज अ फूड और अदर पर्पजेज, या और मकासद के लिए यूज़ करते हैं। सच एज़ मेकिंग क्लोथ आउट ऑफ कॉटन और फ्लैक्स, यानी जो हमारे पास हमारा कपास है उसमें कॉटन जो है उससे हम निकालते हैं, यानी रुई निकालते हैं, और अलसी के बीज इससे हम कपड़ा बनाते हैं। तो ये फ्लैक्स जिसको कहते हैं अलसी के बीज, इन सब से हम और कॉटन से कपास से हम कपड़ा बनाते हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज क्वान्टिटीज़, और ये बहुत बड़ी मिकदार में ये वाली फसलें हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। क्रॉप्स यूज कॉमनली एज फूड इंक्लूड वीट, राइस, शुगर केन, बीन्स, लेंटल्स एंड अदर ग्रेन्स, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो हम काम जो आम फसलें हमारे मुल्क में पाई जाती हैं जो कि हम खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? वीट यानी कि गंदम, राइस चावल, शुगर केन यानी कि गन्ना, बीन्स दालें जैसे लेंटल्स जो हैं, जिस तरह से हमारे पास ये शुगर केन और गन्ना ये वाली चीज़ें हो गई, एंड अदर ग्रेन्स और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज, ये सारे जो हैं ये हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। ऑयल सीड वो होते हैं जैसे कि मस्टर्ड सीड, ये सारे सरसों का साग जो है इस सब से हम तेल निकालते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां, ऑल दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान। तो ये सारी की सारी हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप फ्रॉम लेफ्ट पैडी राइस इज टू बी हस्ट, बॉटम फ्रॉम लेफ्ट ग्रेन राइस ग्रेन कुक्ड राइस, यानी सबसे पहले ये आपने देखा है चावल का, अगर अभी आपने खेत देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पानी होता है और कीचड़ उसके अंदर जो है वो चावल का पौधा जो है वो ग्रो करता है, उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। फिर वो जो है वो इस तरह से इसको खुश्क कर किया जाता है, उससे चावल जो है वो निकाले जाते हैं, और उन चावलों को जब कुक फॉर्म में आप देखें तो इस तरह करके वो पकाए जाते हैं। इसके साथ अगले उस पर आप देखें, यहाँ पर टॉप फ्रॉम लेफ्ट वीट फील्ड वीट स्टॉक एंड बॉटम फ्रॉम लेफ्ट वीट ग्रेन और चपाती, यानी कि ये जो है ये गंदम, हमारे मुल्क में जब वो कपास और गंदम के खेत होते हैं उनको उगाया जाता है, फिर वो जब खुश्क हो जाते हैं तो इस तरह से उनकी डालियाँ में से हम बीज निकालते हैं, और इन बीज को जब हम ग्राइंड करते हैं तो उससे आटा बनता है और आटे से हमारी ये रोटियाँ बनती हैं। तो ये सारा जो है ये प्रोसेस हमें इधर बताया गया है कि किस तरह से हमारे मुल्क में ये फसलें पाई जाती हैं। अब इसमें हम सबसे पहले राइस के बारे में पढ़ेंगे। राइस इसको कहते हैं चावल को। राइस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड क्रॉप आफ्टर वीट, यानी गंदम के बाद जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर का मतलब है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो कौन सी फसल है, वो है मतलब वीट के बाद राइस है। इट इज़ पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज़। तो ये किस चीज़ की इसकी पैदावार की जो है ये खुराक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से मुल्कों में? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और अदर जो दूसरे एशियाई ममालिक हैं उन सब में ये इस्तेमाल होती है। इट इज़ एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान टू अदर कंट्रीज़, तो हमारे मुल्क में इसकी जो है हम दरामद करते हैं, यानी एक दरामद होती है जो हम बाहर से मंगाते हैं, एक बरामद जो हम अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों को सप्लाई करते हैं। तो हमारे मुल्क में ये एक्सपोर्ट की जाती है, दूसरे मुल्कों को हम सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी बासमती राइस विच इज़ पॉपुलर ऑल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स फाइन फ्लेवर एंड अरोमा, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अच्छा बासमती चावल जो है वो पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। किस लिए? क्योंकि इसका फ्लेवर एक तो बहुत, इसका जायका बहुत अच्छा होता है और अरोमा यानी उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो हमारा मुल्क का चावल पाकिस्तान का जो है वो सारी दुनिया में बहुत मशहूर है।
इसके बाद वीट, वीट किसको कहते हैं, गंदम को। वीट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ग्रेन क्रॉप ग्रोन वर्ल्ड वाइड, यानी ये सारी दुनिया में पाई जाती है। ग्रेन का मतलब होता है गल्ला, यानी इससे जो है मुख्तलिफ किस्म के, इसको हम ग्राइंड करके हम इससे अनाज निकालते हैं और उससे हम आटा और ये चीज़ें बनाते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक ब्रेड एंड इज़ स्टेपल डाइट ऑफ मैनी नेशंस। और ये जो है हम, जैसे आपने देखा है कि हर खाने के साथ हमारी रोटी ज़रूर इस्तेमाल होती है, इसी तरह चावल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे मुल्क में बहुत सारा ब्रेड और रोटी इन सब के लिए जो है वो गंदम की ज़रूरत होती है। तो वो जो है सारा वीट की काश्त जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती है, गंदम की काश्त। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस वीट इन अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब है कसरत। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा वीट की पैदावार होती है। चपाती एंड ब्रेड आर ईटन थ्रू आउट द कंट्री, यानी सारे मुल्क में जो है वो रोटी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, चाहे नान के फॉर्म में हो या चपाती की फॉर्म में हो, वो सारी मुल्क में जो है वो होती है। वीट इज़ ऑल्सो यूज इन सीरियल, और जो गंदम जो है वो अनाज के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और इसमें जो है इस मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के खाने के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 87 निकालें। इधर हमें बताया गया है गन्ने के बारे में। शुगर केन, शुगर केन इज़ यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर, यानी शुगर केन किस लिए यूज़ होती है, ताकि हम लोग चीनी जो है वो निकालें। गन्ने की काश्त की जाती है चीनी के लिए। इट इज़ अ हार्ड फाइबरस फ्रूट बट वेरी जूसी, ये एक सख्त किस्म का फाइबरस फ्रूट होता है। फाइबरस का मतलब होता है इसमें इस तरह, ये देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है, इसमें ये फाइबर्स होते हैं। तो ये किस लिए, खाने के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये चीनी देखिए बन रही है। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या है, शुगर मिल्स एक्सट्रैक्ट प्रोसेस शुगर केन टू जूस एंड मेक शुगर बोथ ब्राउन एंड वाइट, यानी ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेस से निकल के ये एक्सट्रैक्ट होता है, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है वो चीनी बनती है। दो तरह की चीनी होती है, या ब्राउन या वाइट। द हस्क ऑफ शुगर केन इज़ ऑल्सो यूज एज एनिमल फूडर एंड फ्यूल, और उसका जो बचने के बाद उसका जो छिलका होता है सॉरी वो यूज़ होता है हम डिफरेंट किस्म की एनिमल के लिए, जानवरों के खाने के तौर पर यूज़ होता है, चारे के तौर पर। जैगरी एंड मोलेसेस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्राम शुगर केन, यानी हम जब चीनी बना रहे होते हैं तो उसमें हमें गुड़ भी मिलता है, और शीरा मोलेसेस जो होता है उसको जब हम ग्राइंड करते हैं तो उससे हमें शीरा भी मिलता है, जिसको हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कॉटन, कॉटन किसको कहते हैं, कपास को। दिस इज़ द पाकिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कॉटन इन ऑल फॉर्म्स फ्राम रॉ मटीरियल टू फिनिश कॉटन प्रोडक्ट्स। पाकिस्तानी कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स आर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारे मुल्क में जो है वो कपास पाई जाती है। ये देखिए ये कपास का पौधा है, ये इस तरह इसके ऊपर इस फूल होता है, इसको जो है जमा किया जाता है, उसके बाद फैक्ट्रीज में से मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद धागा बनता है, और धागे से जो है वो कपड़ा बनता है। तो ये जो है हमारे मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, और हमारा मुल्क जो है इसको रॉ फॉर्म में भी एक्सपोर्ट करता है, और इस तरह बना के जो है मटीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट सम अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, इसके अलावा भी जो है वो थोड़ी सी और भी हैं, जैसे मेज़, मेज़ किसको कहते हैं, मकई को। ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड ऑयल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अ वैरायटी ऑफ पल्सेस ग्रो ऑल ओवर पाकिस्तान। तो हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने इस चीज़ से नवाजा है कि हर तरह का यहाँ पे पौधा और सब्ज़ी और फल ये वेजिटेबल सब कुछ इसमें उगता है। सनफ्लावर सीड्स आर प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट सनफ्लावर ऑयल विच इज़ यूज इन कुकिंग। खाने में जो है वो सूरजमुखी का जो फूल है उससे सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है, जो कुकिंग के तौर पे यूज़ होता है। मेज़ फ्रूट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग। इसी तरह मेज़ मकई का जो है वो भी यूज़ होता है। आटा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज़ यूज्ड एज एनिमल फूडर, और उसका जो बाकी पार्ट्स है उसके पत्ते और उसका जो डंडियाँ हैं वो सब जो है वो जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लेंटिल्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड दाल इन उर्दू, यानी ये जो दालें होती हैं इसको लेंटिल्स कहा जाता है। तो ये जो है ये दालें भी हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा जरिया है, एंड प्रोवाइड अ कॉमन मील फॉर मोस्ट पाकिस्तानीज, और हम लोग जो है इसको खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप ग्रोन इन सेल इन लोकल और इंटरनेशनल मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, वो फसलें जिससे हमें ज़्यादा सरमाया मिलता है, पैसा मिलता है, उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं। दे आर ऑलवेज इन डिमांड, और ये हमेशा डिमांड में होती हैं। दीज इंक्लूड कॉटन, राइस, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, सोयाबीन। सम ऑफ द सरप्लस फूड क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड टू अर्न एक्स्ट्रा रेवेन्यू, तो उसमें से जो फालतू हमारी अपनी ज़रूरत एक्स्ट्रा हो जाती हैं उन सब को जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम ज़र मुबादला कमाते हैं। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आई हैव कम्प्लीटली
gone through this entire topic. Inshallah, we will next time we will continue. Thank you. Allah Hafiz.